Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Bhavna and you are watching Bhavna's Diaries. So in today's episode, I'll be talking about makeover. मैंने दिवाली के पहले हमारे पैसेज का मेकओवर किया था. ये वीडियो एक्चुअली दीवा लॉग्स में इंक्लूडेड था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये तब लाइव नहीं हो पाया. सो दैट इज व्हाई अभी इसे लाइव कर दिया. आई नो पैसेज मेकओवर्स या होम मेकओवर्स नेवर गो आउट ऑफ डेट. सो दिवाली है या नहीं है, आपके घर का मेकओवर तो कभी भी कर सकते हैं. सो यस, इन दिस मेकओवर पैसेज ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ था. मुझे सिर्फ टाइल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर देना था उसे, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज एड करने थे जो कि मैंने इस वीडियो में किए. आप ये सब इस वीडियो में देख सकते हैं. ऑल्सो इस वीडियो का बजट मैक्सिमम 1000 रुपीज था, इसके ऊपर मेरा बजट नहीं गया है. सो यस, अंडर 1000 रुपीज आपके पैसेज को एक बहुत अच्छा मेकओवर दे सकते हैं, ताकि वो लगे एकदम फ्रेश और रिफ्रेशिंग. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले जो भी वॉल्स थे वो प्लेन वॉल्स थे. इन्हें एक टाइल्स वाला स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ वॉलपेपर्स ऑर्डर किए. ये बेसिकली स्क्वायर शेप्स के वॉलपेपर थे. ये वॉलपेपर्स मैंने इसलिए चूज किए बिकॉज इसमें छोटे छोटे डिजाइन थे. ऑल्सो एक वॉलपेपर का जो विड्थ होता है वो आई थिंक काफी छोटा होता है. वो इतना आपके हाथ में इतने में वो बैठ जाता है, तो पूरे वॉल को कवर करने के लिए मुझे काफी ज्यादा वॉलपेपर्स लग रहे थे. एक वॉलपेपर में मेरा 7 फुट 2.5 टाइम्स फिल हुआ, यानी कि 14 फुट + 7 फुट, दैट मीन्स 21 फुट ऑफ लेंथ मेरा एक रोल में हो गए. ऑल्सो ये वॉलपेपर्स यूज करने का फायदा ये है कि ये काफी ज्यादा चीप होते हैं, काफी ज्यादा ट्रेंडी दिखते हैं, और ये आपके पैसेज को या फिर आपके रूम को एक एलिवेटेड लुक भी देते हैं. ये वॉलपेपर स्टिक ऑन होते हैं, जैसे कि हम हमारे बचपन में हमारे नोटबुक्स के कवर को स्टिकर लगाते थे, उसी तरीके से ये स्टिकर होता है. इन्हें पीछे से पील करना होता है और आपको सिर्फ उसे प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ता है. अगर आपका सरफेस प्लेन है तो आप इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. अगर प्लेन नहीं है तो ट्राई कीजिए कि कुछ तरीके से इसे प्लेन कर दे, और इसके बाद आप उसे लगा सकते हैं. ध्यान रखिए कि जब भी आप इस वॉलपेपर को लगाएं तब इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, इसलिए एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा ही नीचे खींचे और लगाइए. अगर आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए कोई है तो बहुत लकी हो आप. अगर आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है तो डेफिनेटली आप जब उसे लगा रहे हैं तो नीचे सेलो टेप्स लगा लीजिए. एक बार हाइट उसकी एग्जैक्टली मेजर कर लीजिए और नीचे सेलो टेप लगा लीजिए, ताकि जब आप उसे अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टेढ़ा जाए. आप उसे स्टार्टिंग में ऊपर इतना पोर्शन पहले चिपका के एग्जैक्टली नीचे पुल करके जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से उसे एकदम स्ट्रेट फिट कर दीजिए, और नीचे की तरफ पे आप थोड़े थोड़े सेलो टेप्स लगा लीजिए दोनों साइड पे, सो दैट ऊपर से आप पील करें तो आपको उतना वो कवरेज भी दे, एंड देन पील करने के बाद वो आप उसे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में लगा सके. सो यस, ये हो गई वॉलपेपर की बात. इसके बाद बात करते हैं बेसिन की. बेसिन हमारा टेबल टॉप बेसिन था, लेकिन उसके नीचे हमने कोई टेबल या स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो उसे हाइड करने के लिए मैंने एक आइडिया लगाया. मैंने ये कुछ हुक्स लिए थे, ये बहुत पहले क्लब फैक्ट्री से लिए थे. अभी ये अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन आप इसे अमेजोन से भी ले सकते हैं. ये स्टिक ऑन होते हैं, सेल्फ एडेसिव होते हैं, स्ट्रांगली एडेसिव होते हैं, तो अगर आप इसे एक बार लगा लें और उसे अच्छे से प्रेस करें तो वो काफी लंबे टाइम तक स्टिक रहते हैं, और कितना भी जोर लगाओ तो वो नहीं निकलते. तो इस तरीके से मैंने दो हुक्स लगा, इनके ऊपर मैंने एक रोप लगा ली. रोप अभी क्योंकि हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में था, या फिर आप कह सकते हैं पाए के फॉर्म में, पाए के स्ट्रक्चर में हमारा ये वॉश बेसिन है, तो मुझे अगर मैं स्ट्रेट स्ट्रिंग लगाऊं तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट दिखेगा और वो ओवल शेप में नहीं आएगा. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टिश्यू पेपर का रोल ले लिया जो एम्प्टी हो जाता है, जो कार्डबोर्ड टिश्यू पेपर का होता है. टिश्यू पेपर खत्म होने के बाद एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड स्क्वायर शेप में काट दिया और उसके ऊपर टिश्यू पेपर को लगा दिया, देन उसे जो टॉप था उसके नीचे चिपका दिया. अब जो स्ट्रिंग रहेगी वो रोल करेगी फ्रॉम फर्स्ट कॉर्नर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड उसके बाद फिर दूसरे कॉर्नर तक. अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, जब मैंने स्ट्रिंग बांध दिया और स्ट्रिंग के ऊपर मैंने अगर कपड़ा लगा दिया तो जो बीच का पोर्शन था वो एम्प्टी दिख रहा था, और वो विजिबल था, काफी इजीली विजिबल था, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. इसके लिए मैंने हुक और ऊपर के काउंटर के बीच वाला जो एरिया था उस एरिया को मार्क कर लिया, उतना पोर्शन छोड़ के एक स्टिचिंग मार दी, एंड देन थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के और एक स्टिच मार दिया, एंड देन जो ये रोप था ये दो स्टिचेस के बीच में से रोल निकला.
तो जब ये रोप लगी तो ऊपर वाला जो पार्ट था वो इजीली हाइड हो गया। अब कमी थी मिरर की। मिरर के लिए मैंने एक मिरर फिनिश वाले पेपर्स लिए। ये पेपर्स काफी इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मैंने चार लिए एक कार्डबोर्ड के ऊपर जस्ट बिकॉज टू गिव अ हाइट एंड अ डायमेंशन। मैंने इसके ऊपर एक स्पॉन्ज ऐड किया। आप चाहे तो कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आइडिया आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग। तो यस, ऐसे मैंने अपना मिरर बनाया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मिरर अटैच कैसे किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना ही कोई हुक था, ना ही कोई स्क्रू था, ना ही कोई स्क्रू ड्राइवर था जिसे मैं दीवार में होल कर सकूं। बट व्हाट आई डिड वाज मेरे पास एक ओल्ड स्पॉन्ज था। उस स्पॉन्ज को मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर दिया, उसे डबल साइडेड टेप की मदद से वॉल पे स्टिक कर दिया एंड देन उसके ऊपर एक अलग स्पॉन्ज लगा के एक ट्रायंगुलर फॉर्म क्रिएट किया एंड देन उसके ऊपर स्ट्रेट इस मिरर को स्टिक कर दिया। एंड यस, थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए एक रोप टाई कर राइट फ्रॉम लगेज एरिया टू डाउन। ये रोप कुछ 50 रुपीज की पड़ी थी, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, लेकिन आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं, इन सबके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देन कुछ लाइटिंग इफेक्ट डालने के लिए मैंने ऐड किया यहाँ पे येलो लाइट। आई बेसिकली लव येलो लाइटिंग, मुझे येलो लाइटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसलिए मैंने एक डार्क येलो लाइट यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑल्सो जो हमारे दो बाथरूम से उनके ऊपर एक लगेज एरिया है, उस एरिया को कवर करने के लिए हमने ऑलरेडी दो खीले दो एंड पे लगा दिए थे, उसके थ्रू हमने एक रोप बांध दी। ऑल्सो एक क्लॉथ परचेज किया हमने विच कॉस्टेड अराउंड 40 रुपीज पर मीटर। तो आई थिंक 100 इंचेस बाय 100 इंचेस हमारे दो लगेज एरिया है, तो दोनों के लिए दो क्लॉथ सिलाए और उसे भी ऊपर अटैच कर दिया। पैसेज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप चाहे तो आप ऐसा मेकओवर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मिरर के साथ खेल सकते हैं, आप चाहे तो लाइटिंग के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट आइडियाज कर सकते हैं। आई नो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें वॉलपेपर लगाने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो ही जाती है। हमने भी हमारे घर में बहुत सारे जगहों पे लिटरली वॉलपेपर्स लगाए हैं, फुल वॉल पे पूरे वॉलपेपर्स लगाए हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब आप वॉलपेपर लगाते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें लाइनिंग्स आ जाए या फिर उसमें बबल्स आ जाए। तो डरने की कोई बात नहीं है, एक आधे दो आ गए तो आप ऊपर थोड़ा उसे खींच लीजिए, अगर वो हो पॉसिबल हो तो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली मत कीजिए, बिकॉज आपका वॉलपेपर भी खराब होगा और उसका टेक्सचर भी खराब होगा। और अगर थोड़ा बहुत बबल्स या फिर थोड़े बहुत लाइन्स आ जाते हैं देन दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी करी थी तो मेरे टाइम पे भी आया था, मैंने उसे एक पेंटिंग से ढक दिया। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली वॉलपेपर्स को आप उसके बाद भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर्स के कलर थोड़े बहुत फेड होते हैं, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से वॉलपेपर्स के कलर थोड़े बहुत फेड हुए थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा चीप हो जाते हैं, जो कि दिवाली के सेल्स आते हैं, दिवाली के या फिर क्रिसमस के सेल जो आते हैं, न्यू ईयर के सेल्स आते हैं, इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे पे जो सेल्स आते हैं, उन सेल्स में आप वॉलपेपर्स काफी ज्यादा सस्ते में खरीद सकते हैं। ये आइडिया सिर्फ पैसेज तक ही लिमिटेड नहीं था, आप आपके घर के किसी भी एरिया को इन आइडियाज को यूज करके मेकओवर कर सकते हैं।
सो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे कुछ आइडियाज कैसे लगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ कोर्स इफ यू लाइक द कंटेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई शिल सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो. बाय.